भोजपुरी में किसे पसंद करते हैं? पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? पवन सिंह जी के फैन है। देखिए कनिका जी पवन सिंह जी के फैन है। पावर एजे से शुरू होला, एजे खत्म हुई, और कोई कहां से ले आई। तो ये सही में है कि आरा जिला घर बात तो कौन बात के डर बा। भोजपुरी में आपके फेवरेट स्टार सभी हैं, बट ज्यादातर मैं पवन सिंह, यानी कि सब भाई पवन सिंह के ही फैन यहाँ पे हैं। यानी पावर स्टार की फैन की बात कर ली जाए तो जितनी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सारा पवन सिंह जी की ही क्यों फैन है आप? क्योंकि उनके वॉइस में दम है। क्या बात, मुझे पवन सिंह के गाने अच्छे लगते हैं। क्या बात है, अगर सिंगिंग की बात की जाए तो मुझे पवन जी का सॉन्ग ज्यादा पसंद है। उनकी आवाज में जो फील है ना, जो दर्द है वो फील करा देता है चीजों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। आज हमारे साथ एक और प्यारी सी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सानली पांडे जी जुड़ गए हैं, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा, शायद इन्हें देखा भी होगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती। कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ और यहाँ के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, कब से इंस्टाग्राम पे हैं आप? 2 साल से। इतने फॉलोवर हैं? 1.2 मिलियन मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगते हैं, जिस तरीके से मैं डिसेंट वैसे वीडियो बनाती हूं वो अच्छी। आज कैसा लग रहा है ये बिहार ग्लोबल जो अवार्ड है फंक्शन में? ये काफी इंस्पिरेशनल है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और प्राउड फील भी हो रहा है कि मुझे ये अवार्ड मिला है, तो काफी अच्छा लग रहा है। IPS विकास वैभव जी के हाथों से मिला है, तो कैसा लगता है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इतने बड़े लोग आपको सम्मानित? बहुत ही अच्छा लगता है और ये मेरे लिए नहीं, सारे इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत एक प्राउड मूवमेंट है कि सबको ये इतने अच्छे से नारी नीति का अवार्ड मिल रहा है, तो मेरे लिए नहीं सबके लिए अच्छा है और मेरे लिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और किस टाइप के रील्स आप बनाती हैं सोशल मीडिया पे? मैं ज्यादातर लिपसिंग करती हूँ और एक्सप्रेशन वाला। क्या गाने कौन से होते हैं, हिंदी होते हैं भोजपुरी होते हैं? ज्यादातर 90s के गाने होते हैं, हिंदी। अच्छा, 90s हिंदी गाने पे बनाती क्या? बिहार आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? बलिया, यूपी। बलिया यूपी से बिलोंग करते हैं, वहाँ भी भोजपुरी भाषा बोले ही जाता है और बिहार में भी बोला जाता है। क्या भोजपुरी गाने पे रील्स बनाना ही पसंद करती है? नहीं करती हूँ, बट सारे भोजपुरी गाने पे मैं एक्ट नहीं कर पाती हूँ, तो जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में होता है उस पे ज्यादातर बनाती हूँ। भोजपुरी के कौन से सिंगर आपके फेवरेट हैं? पवन सिंह, कल्लू राज। क्या बात है, पावर स्टार पवन सिंह जी और कल्लू जी हैं। हाँ नहीं, एक दो और है, खेसारी सर भी हैं। अच्छा, खेसारी लाल यादव। हाँ जी, हाँ जी। कोई गाना पवन सिंह जी का जो आपके माइंड में भी याद? मोस्ट फेमस लॉलीपॉप। दो लाइन हो जाए, दो लाइन हो जाए दर्शकों के लिए। आपकी आवाज जब लगा स्टिक जिला टॉप लागेलू कमरिया कमरिया करेला लबा लब लाली पॉप लागेलू। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सालनी पांडे जी हमसे जुड़ने के लिए। भाई हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा, पूरा ब्लैक ड्रेस है, यानी कि कह लीजिए तो भोजपुरी में सरिया करिया ले ले। क्या आप भी पवन सिंह जी के फैन है क्या? जी जी, ये मेरा सोचना सही था क्योंकि सरिया करिया ले ले ये जो गाना है, मैं इसलिए बोला क्योंकि पवन सिंह जी के भाई फैन पेज यहाँ पे कह ले तो सारे रील्स स्टार में 99% जो है ना पवन सिंह जी की फैन भरे पर हैं। कैसे लगते हैं पवन सिंह जी? बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो। और कौन से गाने पे आप रील्स बनाते हैं? अक्सर उन्हीं के सॉन्ग पे बनाती हूँ मैं, लगभग बहुत सारे मेरे रील्स उन्हीं के सॉन्ग पे रहते हैं, भोजपुरी ही। आज यहाँ पे कैसा लग रहा है ग्लोबल बिहार अवार्ड फंक्शन में? बहुत अच्छा लगा मेरे को, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके। कहाँ से बिलोंग करती हैं? आरा जिला। अरे भाई देख लीजिए, फिर एक और आरा जिला की शेरनी मिल गई है, कह लीजिए तो शेरनी, क्योंकि आरा जिला के जो लोग होते हैं कुछ अलग टाइप के ही होते हैं। तो आपको भी मैं एक गाना तो गाना ही पड़ेगा भाई आरा जिला में, क्योंकि आरा जिला से बोलती हैं गाना। जी जी, आरा जिला वाला बहुत सारे गाने हैं, जिला हो गया आरा मारे देश होने के बहुत सारे गाने हैं पवन सिंह जी। बबुआ के खुश करके जइबू ना, फिर आरा में दोबारा तू आइबू ना। अच्छा, ये आरा का सच में कहना है क्या? अच्छा, आपको पता है पवन सिंह जी को पावर स्टार कहा जाता है? जी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो है एक्चुअली, ही डिजर्व इट। उनका एक डायलॉग था, पावर एजे से शुरू होला एजे खत्म हुई, पावर दूसर के कहाँ से ले आई, ये डायलॉग। जी जी, ये आप बोलिए अपने अंदाज। आरा जिला के लोग ज्यादा बेटर बोल सकते हैं। एक बार और रिपीट करें आप।
पावर एजे से शुरू होला एजे खत्म होई, दोसर के कहां से ले आई? पावर एजे से शुरू होला एजे खत्म होई, और कोई कहां से ले आई? क्या बात है, कैसा लग रहा है आज विकास आईपीएस विकास वैभव जी के हाथों से आपको सम्मानित किया गया इस? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे ये देख कर। सबों से क्या कुछ कहना चाहिए? बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे मुझे, सपोर्ट करते रहे और आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि सिंह जी सुरभि, बहुत बहुत। आइए हमारे साथ ग्लोबल बिहार में जुड़ गई हैं कनिका जी। कनिका जी कैसी हैं? ठीक हैं, आप कैसा लग रहा है अवार्ड? बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार ग्लोबल बिहार ओबी विकास वैभव जी के आईपीएस हैं उनके हाथों से। हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड, मैं बहुत खुश हूँ। आप करती क्या हैं, सबको को बता दीजिए? मैं वीडियो बनाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई के साथ साथ वीडियो। क्या उम्र है आपकी? मेरी 14। 14 की उम्र में भाई अवार्ड ले रहे हैं, देख लो। मतलब कितने फॉलोवर है आपके इंस्टाग्राम पे? 165K। भोजपुरी गाने पे रील्स बनाते हैं? भोजपुरी में किसे पसंद करते हैं, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? पवन सिंह जी के फैन है। देखिए कनिका जी पवन सिंह जी के फैन है, उनका एक कोई गाना याद है अभी? बोलिए। लाल लाल सूट में कमाल लगता। नहीं याद है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। वैसे अभी हाल ही में हरी हरी ओढ़नी आया है पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना, क्या आपने सुना? हाँ सुना, लेकिन याद नहीं है। अच्छा, कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा, वीडियो भी बनाया। क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जी को पावर स्टार कहा जाता है? हाँ एकदम। क्या लगता है पावर स्टार? हाँ है ना। जाते जाते दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहिएगा जो आपको प्यार कर? थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, आप सपोर्ट करते रहिए और इनको सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए अपना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका। तो आइए हमारे साथ एक और बहुत ही प्यारा सा चेहरा जुड़ गया है जी, हाँ सोनम सिंह जी, कैसी हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आप, किस तरह के वीडियोस इंस्टाग्राम पे डालती हैं? मैं बेसिक डांस का बनाती हूँ और कुछ दिनों से लिपसिंग और मतलब ऐसी म्यूजिक वीडियोस देती हूँ सबको, और मेरे फैंस मुझे बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए मतलब उनकी खुशी के लिए मैं सोचती हूँ कि मतलब सबको आगे बढ़ना चाहिए, तो मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद है स्पेशली, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और मेरे फैंस मुझे बहुत ढेर भर भर के प्यार भी देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। किन किन गानों पे आप डांस वीडियो बनाना चाहिए? मैं भोजपुरी गाने बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं भोजपुरी समझती भी नहीं थी और अब मैं भोजपुरी, क्योंकि मैं बचपन से गुजरात में रही हूँ तो, लेकिन अब मैं बिहार में आई हूँ और भोजपुरी गाने सुनती हूँ तो मतलब ऐसे एक मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होता है कि अरे वाह। और मैं नॉर्मली पवन सिंह की फैन हूँ। बात है, मैंने कहा था ना कि यहाँ सारे पवन सिंह जी के फैन भरे पड़े हैं। भाई कमेंट में हमें गाली मत देना, क्योंकि सारे पवन सिंह जी की फैन ही यहाँ पे हैं। हाँ, तो उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके गाने पे मुझे डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरा एक ड्रीम है कि मैं पवन सिंह से मिलूं और उनके साथ एक मौका मिले काम करने का, तो मेरा मतलब ड्रीम पूरा हो जाएगा। ये पवन भैया के टीम तक ये वीडियो जाएगी तो जरूर पवन भैया इनको बुलाइए, इनका नाम मैं बता दूँ सोनम सिंह जी हैं, इनके गाने में जरूर मौका दीजिए, क्योंकि वो आरा से बिलोंग करते हैं और मैं भी मतलब प्रॉपर आरा की ही हूँ, इसलिए मैं उनकी फैन हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये अवार्ड मुझे आज मिला, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं इस लायक हूँ आज, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे हस्बैंड को और मेरे पेरेंट्स को और रत्नेश भैया को, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा, आरा जिला पे बहुत सारे गाने बने हैं, एक गाना कोई याद है? बहुत सारे गाने, आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा जिला हुए आरा, जैसे मैं फैन हूँ वैसे ये भी बहुत बड़े फैन है, और ये तो बस राइमिंग मिला मिला के गाने भी गा देते हैं, लेकिन मैं मतलब डांस में एक्टिव रहती हूँ, लेकिन इनको बोलिए गाना गाने के लिए गाना भी सुनाएंगे, तो ये सही में है कि आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। क्या बात है, क्या दम है, आरा जिला के लोग में सच में पावर होता है क्या? बहुत पावर होता है, वो गोली बंदूक से ही बात करते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सोनम सिंह जी। आज हमारे साथ एक खूबसूरत सा चेहरा है दिशा सेठ जी, जो कि यूपी से आई है, कैसी है दिशा जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है बिहार में आके? बहुत अच्छा। आज बिहार ग्लोबल नेशनल अवार्ड आपको मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, मेरी मम्मी आई है साथ में, उनको भी देख के प्राउड फील हो रहा है जी। आप इंस्टाग्राम पे किस टाइप की वीडियोस बनाती हैं? स्टोरी टाइप, फनी टाइप, मोटिवेशनल टाइप और लिप सिंक सारा।
कितने सालों से इंस्टाग्राम पे हैं आप? टू इयर्स से हैं। आपका कितने फैन फॉलोइंग है आपके इंस्टाग्राम पे? 1.4 मिलियन। क्या बात है, इतने ज्यादा लोग प्यार देते हैं। और आज बिहार बहुत मिलता है लोगों से, प्यार बहुत मिलता है आपके शहर से, तो ज्यादा मिलता है मतलब यहाँ से। अच्छा, क्या भोजपुरी भाषा, बिहार का भोजपुरी भाषा क्या है, इस पे भी कुछ गाने वाने पे रील्स वगैरह बनाती है? हाँ, मुझे बहुत सारे अच्छे लगते हैं, मैं बनाती भी हूँ। भोजपुरी में किसे पसंद करती है? किस फील्ड में पूछ रहे हैं आप? भोजपुरी की अगर स्टार की बात कर ली जाए, गायकी की बात कर ली जाए, मुझे पवन सिंह के गाने अच्छे लगते हैं। क्या बात है, पवन सिंह जी का एक कोई प्यारा सा गाना आपकी आवाज में होता है? नहीं, गानों में नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा गला बहुत गंदा सा है। कोई गाना जो आपके दिल का करीब छूट गया तो प्लीज, हम के बनारस घुमाएगा, कहीं ना कहीं घुमा के यूपी ही वाला, तो जहाँ से वहाँ की तारीफ करूंगी ना, बनारस से। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा है। क्या बात है, उतनी प्यारा। कैसा लग रहा है जो IPS विकास वैभव जी के हाथों से आपको? बहुत ही मेरे लिए ऑनर था, पहली बार मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के सामने अवार्ड मिला, मेरे लिए बहुत ही प्लेजर की बात थी। जी जी, अपने दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और प्यार देते हैं? मैं उनसे क्या ही बोलूँगी, मतलब इतना प्यार सपोर्ट तो मुझे कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं बनारस में भी बहुत छोटे से जगह से थी और लोगों ने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया और इतना मुझे आगे बढ़ाया कि आज हर एक दूसरा लोग मुझे जान जाता है, पहचान जाता है। एक मैम, ये मैम भी मुझे पहचान गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हमारे साथ एक खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साक्षी सिंह जी जुड़ गए हैं। कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या, किस टाइप के आप इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं? मैं भोजपुरी सॉन्ग्स पे रील्स बनाती हूँ, मतलब भोजपुरी लोकगीत वगैरह सब, आइटम सॉन्ग वगैरह सब। कौन से गाने पे? हर तरीके के गाने पे। भोजपुरी में आपके फेवरेट स्टार कौन है? सभी हैं, बट ज्यादातर मैं पवन सिंह को पसंद हूं। यानी कि सब भाई पवन सिंह के ही फैन यहाँ पे हैं, यानी पावर स्टार की फैन की बात कर ली जाए तो जितनी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सारा पवन सिंह जी की ही। क्यों फैन है आप? क्योंकि उनके वॉइस में दम है। क्या बात है, उनका कोई गाना जो आपको बहुत ज्यादा प्यारा लगता है? हाँ, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, बट मेरी आवाज अच्छी नहीं है। कौन सा गाना? वो गाना कहीं सनेहिया लगावल, बहुत बात नहीं के। क्या बात है, गुनगुना दीजिए दो लाइन। सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं के, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। थैंक यू। कितने फॉलोवर हैं आपके? 100K। वाह, क्या अपने दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहिएगा जो आपको प्यार देते हैं? बस आप सभी लोग मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, मुझे मिलियंस में कराइए, बहुत सारा प्यार दीजिए। अब मैं क्योंकि यूपी और बिहार की बेटी हूँ ना, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी।